दोस्तों, जिस पावन धरती पे मैं आज खड़ा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि ठीक इसी जगह पे कभी कच्चे घर में 24 नवंबर 1881 को किसान मसीहा चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ था। घर गिर चुका है। अब यहाँ पे इस ज़मीन पे चौधरी छोटू राम जी के होने के या उनके घर होने के कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी ये धरती पावन इसलिए है क्योंकि इसी धरती पे, इसी जगह पे पैदा होकर उन्होंने किसानों के लिए जो काम किए और किसानों के लिए जो इतिहास बनाया, वो किसान मसीहा के रूप में अमर हो गए। यहाँ पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपनी जवानी और बाकी जो ज़िंदगी की जो समय है वो अपने दूसरे घर में गुजारा। मैं वहाँ भी आपको लेके चलूँगा, लेकिन इस धरती पर यहाँ तक पहुँचने का मकसद ये था कि आप इस पावन धरा के दर्शन कर सकें जहाँ पे किसान मसीहा चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ। दोस्तों, जिस घर के सामने मैं आप खड़ा हूँ, उस घर में चौधरी छोटू राम जी रहते थे। उनका पैतृक घर मैंने आपको पीछे दिखाया था, जहाँ अभी समतल ज़मीन है क्योंकि कच्चे मकान गिर चुके हैं, लेकिन गांव के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने उस जगह को अभी भी इसलिए महफूज रखा हुआ है कि लोग आएँ और चौधरी छोटू राम जी की पावन धरा के दर्शन करना चाहें। हमारे साथ चौधरी छोटू राम विचार मंच के अध्यक्ष, पूर्व सरपंच गांव के रणवीर सिंह जी भी साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम चौधरी छोटू राम जी का जो घर है, जो 1921 या 22 में बना था ये घर, इसमें उन्होंने काफ़ी समय बिताया है, तो इस घर को एक बार, मेरे साथ राजनारायण पंगाल जी हैं, तो मैं चाहता हूँ पंगाल साहब आप इस घर को एक बार दिखाएं। ये काफ़ी इसमें घर में मॉडिफिकेशन किए गए हैं समय के अनुसार, नहीं तो ये गिर सकता था, लेकिन ये जो ग्रिल हैं ये उसी समय की हैं। और करीबन कितने फुट भर्त इसका कर लिया होगा? 5 फुट तक इसका ज़मीन का भर्त करने के बाद ये दरवाजे मेरे ख्याल से उसी समय के हैं। आइए अब अंदर, ये देखिए पूरा, ये चूँकि सीलन इसमें आ गई थी इसलिए टाइल लगवा दी हैं परिवार के लोगों ने, लेकिन ये दीवारें वहीं की वहीं हैं और चूने से बनी हुई है दीवारें हैं। कड़ियों की छत है, बीच में सतीर है बहुत मजबूत से। यहाँ पे चौधरी छोटू राम जी ने काफ़ी समय गुजारे हैं, हालांकि सियासत के चलते वो बहुत कम समय गांव में दे पाते थे, लेकिन वो जब भी रहे इस घर में रहे और नीली कोठी पर भी वो रोहतक में अपना समय बिताते थे। ये जो जगह है सर, यहाँ पे क्या होता था पहले? सर साहब आते थे जी, तो यही हवन कुंड होता था लोहे का। हाँ, हमने देखा कब, हमने हवन भी करते थे हर साल। अच्छा अच्छा। तो सर साहब आर्य समाजी थे, हर रोज सुबह वो अपने आप हवन पर बैठते थे, हवन करते थे, हर रोज जहाँ भी वो रुकते थे सुबह हवन करते थे। आपने उनको देखा है? नहीं नहीं, बहुत पहले आप नहीं देख पाए हमारे दादा के। अच्छा अच्छा। तो इस जगह पे वो भर्ती करवाने की वजह से वो हवन कुंड नहीं रहा? कुंड तो देखा हमने। अच्छा अच्छा। 4-5 साल पहले तक जी यहाँ लोहे का कुंड था जी। जी, तो इसमें कितना ये मॉडिफिकेशन आप लोगों ने करवाया है इस मकान में? मॉडिफिकेशन तो आप ये तो भराई करवाई नीचे वाली। अच्छा, ये दीवारें ठीक और या टाइल वगैरह जैसे छलम आ जाती ना। हम्म, बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है वो वही पुराना है। अच्छा। जोड़ी है, जंगले हैं, सब वही है। अच्छा, ये एक मंजिला मकान था? नहीं, ये ढाई मंजिल था। ढाई मंजिल था। हाँ, इसको उतारना पड़ा ज्यादा वजन होने के कारण। अच्छा, डेढ़ मंजिल उतार दिया। अच्छा, डेढ़ मंजिल। हाँ, डेढ़ मंजिल अब है। अच्छा, डेढ़ मंजिल। तो ये पलंग भी काफी पुराना मुझे लग रहा है, उसी टाइम का है। अच्छा, ऐसे बहुत पलंग। ये जो पलंग है ये चौधरी छोटू राम जी के समय का ही है, आप देख सकते हैं उनकी तरह विशाल ये पलंग है। उनका जितना विशाल हृदय किसानों के प्रति रहा है, वैसे ही उनके घर में सामान और उनका घर भी आपको दिखाई देगा। उनका एक बहुत पुराना फोटो यहाँ पे परिवार के लोगों ने लगाया है। आप पंखे को देख सकते हैं चौधरी छोटू राम जी के, जो जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदला है, जिन्होंने किसानों की ज़िंदगी को बदला है, आज उनके घर में हम पहुंचे हैं। ऊपर चलते हैं सर।
ये हम पहली मंजिल पे पहुंचे हैं। यहाँ कमरे थे। अच्छा, ये सब कमरे थे। यहाँ पे कमरे होते थे, जैसे ऊपर तीन तल्ला का है ना। अच्छा, ऐसे ही थे, यहाँ कमरे थे। तो उतार दिया आप लोगों ने? जी जी, ये सब ऐसे बरंडा था जी। नीचे सेक्चर है ना, उतना ही ऊपर था। अच्छा, उसके ऊपर तीन तल्ला था, ढाई मंजिल। तो बस ये रख लिया है आप लोगों ने? ये थोड़ा रख लिया, चार पाँच रूम ऊपर। बाकी नहीं तो जितना नीचे था बिल्कुल उतना ही सेकंड मंजिल था। अच्छा अच्छा, और फिर ढाई मंजिल था समझे। तो अब ये तो घर महफूज रख दिया आप लोगों ने? हाँ। लोग आते हैं, देखते हैं इस धरती को? दूर दूर से आते हैं। अच्छा अच्छा, बड़े बड़े किसान नेता हैं और दूसरे लोग हैं जो सामाजिक संगठन जुड़े होते हैं, कहीं इधर आना होता उन लोगों का तो यहाँ ज़रूर आते हैं, मत्था टेक कर जाते हैं और यहाँ की मिट्टी भी लेकर जाते हैं। दोस्तों, ये घर जो है, ये छोटूराम जी की जहाँ पे जन्म हुआ था, हमने वो जगह भी देखी है। हालांकि अब उनका जो कच्चा मकान था वहाँ पे, वो समय के साथ गिर गया है, लेकिन ये जो घर है उनका, जो कभी ढाई मंजिला होता था, जिसकी डेढ़ मंजिल को उतारना पड़ा क्योंकि जर्जर अवस्था में हो गई थी, अब उसको महफूज रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी अगर आप जो उनके पैतृक गाँव गढ़ी में अगर आप पहुँचे तो आप उनके पावन घर के दर्शन कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं गढ़ी सापला से ताऊ करतार सिंह। हाँ हाँ। ताऊ करतार सिंह की जो उम्र है वो 90 साल है। ताऊ, आपका जन्म गढ़ी में हुआ? हाँ जी। यहाँ चौधरी छोटूराम जी भी जन्मे? हाँ हाँ। उन्होंने इतनी ऊंचाइयाँ छुई, क्या बात है। आपने उनको कब देखा पहली बार? मैंने देखा या नहर के खड्डी पर आए, नहर पानी के डर जी, मतलब जब नहर खुदी ना। हाँ हाँ। फिर में पानी आया। अच्छा। उन दिन चौधरी साहब आ खड़े, जब मैं आठे वर्ष का हूँ, ये छोटा ही था जी, जो वो चौधरी साहब आया, नीली लीला खंडुआ। अच्छा, नीली पगड़ी पहन रखी थी। हाँ हाँ हाँ। और उन नहर पर नहीं देख रहे थे, पहले दिन पानी किसा चल रहे, पानी किसा चल रहे। हाँ। तो आप कितने साल के थे अब आप? मैं 12-14 वर्ष का हूँ। अच्छा, राम रोमी करी आपने उनको? अच्छा। राम रोमी करी, बाकी घना बोलनी है ना, जानू था मैं बात करने। अच्छा अच्छा। ना जान था, शर्मा गई ना? शर्मा गई के बस कम बोल जाए, कम करते। अच्छा अच्छा। ना जान बाल कम। एक ही बार देखा आपने उनको? एक कभी देखा था, एक ही बार। उस दिन नहर में पानी आया ना, और नहीं देखना था पानी नहर में किसा चल लगा। अच्छा। उस दिन देखा था पटड़ी पटड़ी पे। तो घर आके बताया आपने कि आपने आज किसको देखा है? के घर आके आपने बताया अपने माँ पापा को कि आपने? हाँ बताया, माँ बाप जानने था, मैं घर तो बन गया होगा, कि मुझे मन नहीं कह सकता कि कहीं मैंने। अच्छा। अन्य जरूर कहीं मेरा छोटा माँ था, उड़ गए थे, उड़ गए थे, पटड़ी पटड़ी पास है बेटा। अच्छा अच्छा। हाँ, इनका खेत छोड़े इनके उड़ आया था। अच्छा, तो इसके बाद नहीं देखा आपने उनको? ना, छोटा ही था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपका जन्म कौन से साल में था? 90 का, 10 साल 90 का। 38 में हो गया था, उससे 8-9 साल के थे वो। हाँ। 44 में आया था यहाँ। पानी आया। अच्छा अच्छा। पहले डाल डालते थे। 44 में पानी आया था तो ये देखने गए थे उसको? हाँ। तो थे, कार आई थी तो ये भी अपने चलो कूड़ा रहे। हाँ। इतना ही था कि इतना। हाँ। पानी देखना था। 8-9 साल ये नदी या उसने बनवाई थी। अच्छा। फिर उसने पानी छूटा ना नदी में, जब वो पानी देखना था किसा पानी चल रहे है। अच्छा भाई, इतनी बात मेरे याद से, पानी देख कर वो गाड़ी गाँव में आया, फिर पर एक पर चले गया। अरे उस टाइम तो गाड़ी गुड़ी एक आधी आती होगी गाँव में? एक आधी। हाँ हाँ। उनकी कार देखी होगी आपने? कार देखी, लीली कार थी, कार भी लीली। हाँ, पगड़ी भी लीली, पगड़ी भी लीली। अच्छा अच्छा, जो मेरे याद से सारी बात। अरे तो कितने एक आदमी जुड़ रहे थे उस टाइम उनका देखनी है? आदमी तो बटेरे थे, जो जमाने में आदमी थोड़े थे। अच्छा, आदमी थोड़े थे, वो बटेरे गए थे, वो कम से कम 200 आदमी होंगे सब ले। अच्छा, उस टाइम गाँव छोटा सा था आपका? यो कितने छोटे गाँव था, 500-400 की आबादी रही होगी उस समय? की बताऊँ मैं, छोटा गाँव था, 400 की, 200 आदमी जिसमें तो उनको देखने जा रहे थे। 200 भी ज़्यादा, सांप लेते भी आ रहे थे और गोवंड के आ रहे थे। अच्छा अच्छा। आपको इस बात का गर्व है आपने चौधरी छोटूराम को देखा है? देखा है, मतलब इस बात की खुशी है आज तक? उनका नाम सुनते खुशी हो है। अच्छा। हाँ अच्छा साहब, तुम आएगी ना उससे बात, उन्हीं की वजह से आगे ना मार लो रहे। अच्छा अच्छा।